आज शुरू एक कहानी से करते हैं, कहानी नकुल के जीवन की। नकुल का जन्म एक किसान फैमिली में हुआ। बड़े होते हुए अपने सभी घर वालों से वो एक ही चीज सुनते हैं कि ढंग से पढ़ाई करो, जिससे आगे चलकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ। खुद नकुल भी देखते हैं कि कितनी मुश्किलों से उनके पिता ने तीनों बेटों की परवरिश की थी और घर का बड़ा बेटा होने के कारण नकुल के ऊपर जिम्मेदारी काफी थी। इसीलिए बचपन से ही नकुल ने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया, जिससे आगे चलकर वो अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाए। चलिए आपको नकुल से मिलवाएं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के। मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इनका असली नाम तो नहीं पता, पर इन जैसे कई नकुल्स की यही कहानी है। बचपन से वो सब किया जो समाज ने कहा और अब सालों से एक नौकरी की तलाश में है। कौन सी नौकरी? स्टेट CGL। अच्छा, वही सरकारी नौकरी का चक्कर बाबू भैया। वेट वेट वेट, अपना जजमेंट पास ऑन करने से पहले आप ये सुन लीजिए। सर प्राइवेट में भी तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में स्किल जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000-12,000 की नौकरी मिल रही है सर। मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं और हम लोग इतने पढ़े लिखे हो के हम लोग तो सोच रहे हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है सर। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम लेकर हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। एग्जाम तो ले अच्छे से पारदर्शी तरीके से ले और हम लोग योग्य नहीं होंगे और हम लोग नौकरी में नहीं आएंगे तब हम लोग से चैलेंज नहीं होगा। पढ़ाई तो खूब की पर शायद उस पढ़ाई ने इन्हें जॉब मार्केट के लिए रेडी नहीं बनाया और यही वजह है कि इन जैसे कई युवा एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। सरकारी नौकरी के क्रेज पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें वी डीबंक्ड व्हाई सरकारी नौकरी इज सो पॉपुलर अमंग द यूथ। पर आज का एजेंडा ये जानना है कि कैसे हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम नकुल जैसे लाखों एजुकेटेड फ्रस्ट्रेटेड और अनएम्प्लॉयड लोगों की जनरेशन तैयार कर रहा है। वेल, क्या रीजन है हमारी इस सोच का? नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि 53% ऑफ द graduates coming out of colleges are unemployable. मतलब उनके पास ऐसी कोई स्किल्स ही नहीं है जो वो किसी जॉब में यूज कर पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फायदा है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम का, जिससे एक इंडिविजुअल एक डिसेंट जॉब भी ना हासिल कर पाए। इन 2022 इट वॉज 9 times मोर लाइकली कि एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड रह जाए एज कम्पेयर टू एन इलिटरेट पर्सन। क्या बोल रहे हैं आप कि किसी ऐरे गहरे कॉलेज से पढ़ोगे तो कैसे लगेगी नौकरी? पर ये हाल इंडिया के सिर्फ Tier 3 कॉलेजेस का नहीं पर इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का है। क्या DU तो क्या JNU। IITs की भी बात करें तो इस साल यहाँ पढ़ रहे 8,000 स्टूडेंट्स की अभी तक प्लेसमेंट ही नहीं हुई है। This makes up for around 38% of unemployed IITians across 23 campuses of IIT. आप समझ सकते हो ये हाल तो हमारे टॉप कॉलेजेस का है, तो अब बाकी कॉलेजेस के बारे में क्या ही कहना। So now the question arises, is the Indian education system in a crisis? इस वीडियो में जानते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में और इसके क्या solutions हो सकते हैं। Also इस पूरे कंडीशन में स्टूडेंट्स खुद क्या कर सकते हैं टू बी बेटर प्लेस्ड इन द जॉब मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। ये सब देखकर तो यही लगता है ना कि हर कोई इंजीनियरिंग डिग्री की तरफ भाग रहा होगा। इस लॉजिक से तो इंजीनियरिंग को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स भी होना चाहिए, पर ऐसा सच नहीं है। इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स है BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। गवर्नमेंट की रिपोर्ट रिवील करती है दैट विद 1.13 करोड़ स्टूडेंट एनरोलमेंट्स BA इज द टॉप चॉइस फॉर स्टूडेंट एनरोलमेंट इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। इंडिया में हर तीसरा स्टूडेंट BA कोर्स के लिए ऑप्ट करता है। जब मैंने ये सुना मैं भी काफी शॉक था, क्योंकि हम हर जगह इंजीनियरिंग के बारे में ही तो सुनते हैं। और हाँ, इंजीनियरिंग BA के बाद भी नहीं आता, उसके बाद आता है BSc, फिर BCom और उसके बाद इंजीनियरिंग। और ये डेटा पॉइंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि BA डिग्री की पॉपुलैरिटी पॉइंट आउट करती है हमारे ग्रेजुएट के अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के बारे में। हम इस कोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, बट दिक्कत ये है कि प्रेजेंट डे करिकुलम ऑफ BA वो स्किल्स ही प्रोवाइड नहीं करता जिससे स्टूडेंट्स को एक अच्छी जॉब मिल पाए। और यहाँ हम Tier 3 कॉलेजेस को कंसिडर नहीं कर रहे, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, जैसे कि DU और JNU, जो कि अपने BA और BSc प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती हैं। DU और JNU के स्टूडेंट्स ने उनकी यूनिवर्सिटी के जॉब क्राइसिस को हाईलाइट करने के लिए कुछ साल पहले एक पब्लिक हियरिंग भी की थी। और बताऊँ फन फैक्ट क्या है, सरकार खुद इन डिग्रीज को प्रमोट करती है, सब्सिडाइज फीस पे ये कोर्सेज चलाए जाते हैं,
लाखों स्टूडेंट्स के सपने तोड़ने के लिए और टैक्स पेयर का कीमती पैसा बर्बाद करने के लिए। इस साल केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का बजट 1,117 करोड़ है। इंडिया में 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 423 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जिसमें ओवर 50% जनरल प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, यानी BA, BSc और BCom। सोचो कितनी बड़ी मशीनरी चल रही है ओनली टू प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि इन डिग्रीज में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डिग्रीज में नहीं बट इनके आउटडेटेड करिकुलम में है। एग्जाम्पल के लिए DU के BA प्रोग्राम कोर्स को ही ले लेते हैं। इसमें आप दो सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर पढ़ते हो और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं। बात यह है कि पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आप पे कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एनी स्पेशल स्किल्स या नॉलेज। और खास बात यह है कि करिकुलम का फोकस स्टैटिक पोर्शंस पे ज्यादा होता है, इवन इन डायनामिक सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। इन सभी में थियोरी का रियल लाइफ से कनेक्ट मिसिंग होता है। और जो इलेक्टिव्स ऑफर होते हैं उनमें से कुछ तो स्टूडेंट्स ले ही नहीं पाते ड्यू टू द लैक ऑफ फैकल्टी, और जो लेते भी हैं उसमें भी यू डू नॉट गेट टू लर्न दैट मच जिससे आप किसी जॉब के लिए रेडी हो जाओ। और ये सब चीजें BCom और BSc जैसी डिग्रीज के लिए भी काफी हद तक वैलिड हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों में भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चला कि इन डिग्रीज से उनकी जॉब नहीं लगने वाली। इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें एक्सपोजर कम होता है, और जिन्हें पता भी होता है वो इसलिए इन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि इन कोर्सेज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस से काफी ओवरलैप करते हैं। पर क्या इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? बिल्कुल नहीं। पर यही तो क्रेज है सरकारी नौकरी का, जिसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया के बहुत से पार्ट्स में प्राइवेट सेक्टर ढंग से डेवलप ही नहीं हुआ। इसी चीज की झलक वीडियो के शुरुआत में आपको नकुल की स्टोरी से तो मिल ही गई होगी। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन ये है कि ये BA, BSc टाइप के कोर्सेज बिल्कुल खराब हैं। तो फिर इंजीनियर और टेक्निकल डिग्री कोर्सेज वालों के तो बल्ले बल्ले हो रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही लाता है हमें वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे। क्या आप जानते हैं इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, और इस हिसाब से तो इंडिया को R&D, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में नंबर वन होना चाहिए। पर सच क्या है, इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th पोजीशन में आता है। रीजन साफ है, द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग। दुनिया में आए दिन नए बदलाव आ रहे हैं, पर एक चीज है जो नहीं बदलती, हमारे हायर एजुकेशन के कोर्सेज। जो कोर्स इंडिया में इनिशियल स्टेज में IT सेक्टर के बूम का फायदा उठाने के लिए बनाए गए थे, वो लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से आज AI के दौर में वर्थलेस हो चुके हैं। इसी स्किल गैप को एस्पायरिंग माइंड्स की ये रिपोर्ट हमें बताती है, विच पॉइंट्स आउट दैट 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर जॉब्स। स्किल गैप सिर्फ इंजीनियरिंग की ही नहीं पर इंडिया की हर फील्ड की प्रॉब्लम है। ऐसे हाल में कंपनीज मिनिमम हायरिंग से अपना काम चलाना चाहती हैं, जिसके कारण इंडिया हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की रेस में पीछे रह गया। अगर इंडिया इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाता तो शायद इसका रिपल इफेक्ट से काफी जॉब जनरेट होती और लाखों युवाओं को नौकरियां मिलती। स्टूडेंट्स जो ये सारी डिग्रीज करते हैं, उन्हें लगता है कि इतनी पढ़ाई के बाद वो कैसे एक छोटी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, और इसीलिए वो एक अच्छी जॉब का इंतजार करते हैं। और यही हमारे डिस्कशन का नेक्स्ट सेक्शन भी है। इतना पढ़े ही क्यों जब ये करना था, ये वर्ड्स थे मेरे दोस्त पंकज के पेरेंट्स के, जब उसने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कैबिन क्रू की जॉब करने की बात उनसे की। कैबिन क्रू मतलब स्टूअर्ड, मेल एयर हॉस्टेस। उसके पेरेंट्स का ये कहना था कि जिस जॉब के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12th की है, वो जॉब उसे ग्रेजुएशन के बाद क्यों करनी है। उनके हिसाब से ये उनकी फैमिली के लिए एक बिलो डिग्निटी जॉब था। दरअसल इंजीनियरिंग के बाद पंकज की कोर इंजीनियरिंग डोमेन में कोई जॉब नहीं लगी, और तो और सेल्स डोमेन में भी उसे 30,000 की जॉब भी नहीं मिल रही थी। पर पेरेंट्स को ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि उनका बेटा कैबिन क्रू की जॉब करे, जिसकी सैलरी अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर एवरेज करती है अराउंड 35,000। इसी फिनोमिना को एस्पिरेशन कर्स का एक हिस्सा समझ सकते हैं। यहाँ आपको लगता है कि क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ डिजर्व करते हो, तो उससे नीचे की या बिलो एवरेज चीज़ के लिए आप सेटल नहीं होना चाहते। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम भी यूथ के दिमाग में कुछ ऐसा ही परसेप्शन क्रिएट करता है, जहां उनको लगता है कि वो डिजर्विंग हैं, बट असल में होता यह है कि वो मार्केट के डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म में कहीं फिट नहीं बैठते, और वो यही सोचते रह जाते हैं। अपना टाइम आएगा,
हमने स्टार्ट में बात की थी बीए की डोमिनेंस की। यही डोमिनेंस नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि यूपी और बिहार में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड सर्विसेज सेक्टर ढंग से डेवलप नहीं हुए, और सारी चीजें देख दाख कर एक एस्पिरेशनल यूथ के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी नौकरी का। सच तो ये है कि सबको पढ़ लिख कर सर्विस सेक्टर में व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बड़ा नहीं है, और अगर इसको एक्सपैंड भी करना है तो इसके लिए स्किल्ड लेबर फोर्स भी नहीं है। इसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है एक सर्वे जो बताता है कि इंडिया में सिर्फ 6% स्टूडेंट्स ही वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। ये फिगर चाइना के केस में 40% है, जिसकी बदौलत आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का 5 times है। आज चाइना ग्लोबल एक्सपोर्ट के शेयर को 14% के साथ लीड करता है, जबकि इंडिया का शेयर इसमें सिर्फ 2.8% है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बताती है कि एक इंडियन ग्रेजुएट के अनएम्प्लॉयड रहने की प्रोबेबिलिटी 9 times थी, अगर किसी अनपढ़ इंसान से कंपेयर करें, और यही चीज़ पूरी प्रॉब्लम को बयां करती है। हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, तो चलिए अब सॉल्यूशंस की भी बात कर लें। जहाँ तक नॉन टेक कोर्सेज का सवाल है, तो हम समझते हैं कि इन्हें इनोवेट और रेनोवेट करके इंडियन यूथ को एम्प्लॉयबल बनाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हमें अशोका यूनिवर्सिटी जैसी एक लिबरल आर्ट्स फोकस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मिलता है, जहां बीए जैसे कोर्सेज के बाद भी स्टूडेंट्स को कंसल्टिंग फर्म्स में 20 लाख से ऊपर के पैकेजेस ऑफर हुए। खुद अशोका यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने एक वीडियो में इसके बारे में बताया। अशोका का पैकेज लगभग 6 LPA के ऊपर जाता है, मिनिमम पैकेज जो है 6 LPA के ऊपर रहता है, एवरेज अराउंड 9-10 के आसपास में रहता है। एंड क्योंकि जो हाईएस्ट जो कंपनीज आती हैं अशोका में, तो लगभग 20-25 lakh मतलब कंसल्टिंग कंपनी इतना ही पे करती है लगभग, चाहे वो IIT से बच्चे को उठाए, चाहे IIM से उठाए, चाहे अशोका से। पर अशोका यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसके कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए देयर इज अ नीड कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्टेप अप करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लिमिटेड ऑटोनोमी दी जाए, जिससे वो कोर्सेज को इनोवेट कर सकें और यूथ की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें। और यही चीज़ एक्चुअली इंडिया के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज और कॉलेजेस में रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ अपकमिंग करियर ऑप्शंस, न्यू एज करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सरकार को खुद यूथ को अवेयर कराना पड़ेगा, नए नए कोर्सेज लॉन्च करने पड़ेंगे, जिससे यूथ का करियर होराइजन ब्रॉडन हो। VFX एंड एनिमेशन आर्टिस्ट, फूड स्टाइलिस्ट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट जैसे डोमेन के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च किए जाएँ। इससे हमारे यूथ नई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को खुद भी इंटरनेट के थ्रू और दूसरे मीन्स के थ्रू अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए, और हम खुद भी इस पर एक वीडियो बना सकते हैं, बशर्ते आप इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दो। अगला पॉइंट आता है वोकेशनल ट्रेनिंग का भी, विच शुड बी डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द करंट जॉब मार्केट। इसके लिए MSMEs और बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जॉइंट कोर्सेज लॉन्च कर सकती हैं। इससे इंडिया के कॉर्पोरेट्स का स्किल डेफिसिट का इशू तो दूर होगा ही, साथ ही साथ लाखों नौकरियां भी जनरेट होंगी। पर इसके लिए गवर्नमेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग को एस्पिरेशनल बनाना पड़ेगा। यूथ इसे सिर्फ एक छोटी जॉब पाने का तरीका ना समझें, पर इसी से आगे चलकर खुद का वेंचर चलाने का एक प्लेटफॉर्म समझें। ये सब कहना आसान है, पर चैलेंजेस काफी हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सरकारी कामों में कितना टाइम लगता है। बट एज समवन वंस सेड, ग्रेट थिंग्स कम विद ग्रेट एफर्ट्स। देखना यह है कि क्या हम अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को वेंटिलेटर से बाहर ला सकेंगे और अपने सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे, या फिर आगे चलकर भी हमें कई और नकुल्स की दुख भरी दास्तां सुननी पड़ेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, और अब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप, और ऐसे ही रिलेवेंट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।